एक्सप्रेसवे पर डीएचए गेट 7 से हमने एंट्री ली है, ले रहे हैं गेट 7 पर। तो जनाब बिरादर इस्लामी मुल्क है, मामलात को बेहतर करें, किसी की ना सुने। सस्ता तेल मिलता है, सस्ता तेल लें, सस्ती गैस मिलती है, सस्ती गैस लें। और भी उनकी लोकल इंडस्ट्री ज़बरदस्त है, वहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन अपने मुफादात का ख्याल रखते हुए। भाई आप जनरल कर्नल सियासतदान वगैरह होंगे, आप हर चीज़ ख़रीद सकते हैं, आपके इनकम के ज़राए इतने ज़्यादा हैं कि आपके बच्चे अमेरिका यूरोप में पढ़ते हैं, हमें सबको पता है। मुझे तो आप गवर्नमेंट का जो पीला स्कूल है उसकी हालत बेहतर करके नहीं देते। तो मैं अपने बच्चों को भी अपनी जेब के मुताबिक पढ़ाता हूँ, मुझसे अब इतना बोझ नहीं उठाया जाता आप लोगों का। खुदा के वास्ते इंसान के बच्चे बन जाओ, ईमानदार बन जाओ। ये जो अमेरिका वगैरह से डरना है ये छोड़ दो, किसी से क्यों डरते हो यार? तुम खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? अगर तुम मेरे मुफादात का ख्याल नहीं रख सके तो तुम खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? ये मुल्क बनाया था इस्लाम के नाम पर कि जनाब यहाँ पर लोग अपनी अकायद के मुताबिक आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये देखें जी, काकपुल का काम हो रहा है, ये काकपुल से का जो पुल होगा उसकी एक्सटेंशन है, जो ब्रिज बनेगा नया उसकी एक्सटेंशन का काम हो रहा है, और इंशाल्लाह है कि पता चल रहा है कि अगस्त तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और हम बहुत तेज़ी के साथ फासले तय कर सकेंगे। ये देखें जी, ये इसका काम हो रहा है, पिलर्स बन रहे हैं और इसके ऊपर बिछाया जाएगा कारपेट, जिसके बाद ये हो जाएगा तैयार। मेरे साथ रहें जी, रास्ता देखें, ये आप देखते रहें। बाकी अगर मैं कहीं बोल नहीं सका तो वो डायरेक्शंस वगैरह मैं आपको लिख कर बता दूंगा, टेक्स्ट कर दूंगा उसे। और ये काकपुल की दूसरी साइड है इस्लामाबाद की तरफ, तो इसका भी यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि रोड की तामीर शुरू होने वाली है। इसमें मिट्टी वगैरह भर रहे हैं, इसे ऊंचा करना है इन्होंने, और ये रोड कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी। आपको मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि दरमियान में कोई एक चालीस पचास मीटर का ब्रिज बन रहा है, जिसकी वजह से ये हमें डाइवर्जन दे रहे हैं कहाँ पर, रिवर गार्डन की तरफ। तो रिवर गार्डन की ये एग्ज़िट भी है, एंट्री भी होगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ ही काम शुरू कर दिया इन्होंने, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके साथ। ये मेरे लेफ्ट पे आप देख रहे हैं, या दिखाई नहीं दे रहा आपको शायद, ये रिवर गार्डन की एंट्री है, लास्ट वीक मैंने ब्लॉग में आपको बताया। और एक छोटा सा ब्रिज है, इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट के आसार नज़र आ रहे हैं, तो उसके बाद आप देख ही रहे हैं यहाँ पर मेरे राइट साइड पे मशीनरी काम कर रही है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद ये रास्ता खुल जाएगा और आसानी हो जाएगी। इस वक्त कोई सवा दो ढाई का टाइम है, और
से इस जगह से बहुत सारे कॉलोनियों को, बहुत सारी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको रास्ता दिया जाएगा। ये मेरा जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से जो इस्लामाबाद से आने वाली ट्रैफिक है उसके लिए ये काम कर रहे हैं, या दूसरी तरफ जाने के लिए ये ब्रिज के नीचे से हमें ये एंट्री दी। ऑफ रोड है, ज़रा आइस पर चल रहे हैं, आप लोगों के साथ मेरे साथ रहे हैं। मिट्टी उड़ रही है, आज मैंने मोबाइल जो है वो कैमरा बांधा हुआ है और थोड़ी सी मैं इसे ऊपर कर लूँ, साउंड भी कम हो जाएगा और मिट्टी भी नहीं आएगी। ऑफ रोड है जी ये सारा का सारा, और अभी थोड़ी देर में ही दोनों तरफ से जी रोड बन रहे हैं और इंशाल्लाह कोई महीने भर में ये रास्ता खुल जाएगा। ये हमने दोबारा एक्सप्रेसवे ले लिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा ऑफ रोड है और अब हो गया सही। तो ये एक जो डाइवर्जन थी, पहली डाइवर्जन थी, ये एक डाइवर्जन थी। अब आप काउंट कर लेंगे कितनी डाइवर्जन्स हैं, मेरा ख्याल है कि दो डाइवर्जन्स हैं बस, और इन दो डाइवर्जन्स पे दोनों तरफ काम जा रही है और इंशाल्लाह कोई, हमें तो बताया गया कि अगस्त में ये मुकम्मल हो जाएगा और हम यहाँ पर रमा दमा होंगे। लेकिन अभी भी ये कोई 10 मिनट या 15-12 मिनट का जो है आपका ये रोड्स हैं जो जिस पे आप चलते भी रहें, तो मेरा ख्याल है कि 7 या 8 मिनट का डिले आपका बन रहा है यहाँ से। या ज़्यादातर तो बना हुआ ही है, तो ये एक थोड़ी सी रुकावट ये नेवल एनक्रोच पे आएगी, यहाँ भी हमें डाइवर्जन मिलेगी क्योंकि यहाँ पे भी एक ब्रिज है, वो उसकी तामीर कई महीनों से जारी है, तो उसकी वजह से यहाँ भी डाइवर्जन आएंगे। बस टर्न ले लें तो उसके बाद आहिस्ता लेकिन ट्रैफिक फ्लो हो जाता है। मुश्किल सिर्फ उस वक्त तक आती है जब तक ट्रैफिक फ्लो नहीं होता, और इंशाल्लाह जल्दी मुझे लग रहा है कि यहाँ से ट्रैफिक फ्लो है, इन्होंने हर्डल्स लगा के कुछ रुकावटें डाली हैं ताकि आसानी से ट्रैफिक चलता रहे। ये खुदाई वगैरह कर रहे हैं ताकि रोड को बड़ा किया जा सके, या फिर आप ये कहें कि ग्रीन बेल्ट बनाया जा सके। देख लें, गाड़ी मुसलसल चलती रही है और ये रश टाइम है वैसे भी, तो अब मैं टर्न मार रहा हूँ यहाँ पर अपना सुमा गार्डन की मेन एग्जिट से, एंट्री से पहले, एग्जिट से पहले यहाँ पर ये डाइवर्जन आती है नेवल एनक्रोच ब्रिज के फौरन बाद। अब मेरा ख्याल है यही एक लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने आपको बताया था कि यही एक डाइवर्जेंस, दो डाइवर्जेंस हैं जो रहती हैं, और जब ये ब्रिजेस बन जाएंगे, दोनों ब्रिजेस बन जाएंगे, आप देख रहे हैं मशीनरी लगी हुई ब्रिज बनाने के लिए, फ्रंट ब्रिज की एक्सपेंशन की वजह से, इनका वक्त है, बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी लेकिन एकदम बादलों ने घेर लिया इस्लामाबाद को। इस्लामाबाद का बताते हैं कि वेदर जो है वो उस पर आप एतबार नहीं कर सकते, कभी भी वेदर बदल जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बारिशें हो रही हैं। अब मुझे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का नहीं पता, बहुत लोग इन बारिशों को अच्छा नहीं कह रहे क्योंकि फसलें खड़ी हुई हैं वो तबाह हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला बस इस मुल्क के
हर बंदे के लिए बेहतर कर दे, किसानों के लिए बेहतर कर दे, सनतकारों के लिए बेहतर कर दे, मजदूरों के लिए बेहतर कर दे। बहुत तकलीफ में हैं जी हम लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा अभी ना लगा सके जब तक टाइम पर ना गुजरी हो। बचपन तो खैर हमने गुर्बत में ही गुजारा है तो उसका हर चीज़ का अंदाज़ा तो हमें है ही, क्योंकि मसला ये है कि अभी भी गुर्बत से जो निजात मिल सकती है वो तालीम से मिल सकती है। हमने भी तालीम से ही निजात हासिल की। तो 2.5 करोड़ बच्चे हमारे मुल्क में स्कूलों से बाहर हैं। अल्लाह ताला उनकी हालत पर रहम करे, हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो उनके मामलात को सोचें। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ तालीम की जो खिदमत है वो गवर्नमेंट कर सकती है, बाकी प्राइवेट स्कूल्स वगैरह वो एक एक्स्ट्रा हैं कि जी आप तो कहीं दाखला नहीं मिल रहा तो आप प्राइवेट स्कूल्स में दाखला ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तालीम का मयार गिरा दिया। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, उनकी डिग्रियाँ जांची जाती हैं, उनकी जो पढ़ाने की सलाहियतें वो जांची जाती है, मुख्तलिफ जो है प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं उनके पास, लेकिन फिर भी लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं भेजते। इस्लामाबाद के गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे हैं, वहाँ पर तालीम भी है और चेक एंड बैलेंस भी किसी हद तक है। तो जनाब ये हम अब जा रहे हैं अपना PWD वाले रोड पे, यहाँ भी एक ब्रिज बन रहा है, 3 डाइवर्जन्स आ गई जी। लेकिन अब जो पिछली वाली डाइवर्जन थी वो छोटी थी और ये जो है तीसरी डाइवर्जन है ये जो है ये भी छोटी हो गई है। ब्रिज है, जब तक ब्रिज आपको पता टाइम लेता है बनने में, इसके पिलर्स वगैरह तो तैयार हो गए हैं, तो देखते हैं अल्लाह ताला खैर करेगा और जल्द ही जो है ये हम इन सहूलतों से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो जनाब हमने ईरान पे भी बात कर ली, हमने अपने लोगों की ज़रूरियात पे भी बात कर ली और जो हमारे हुक्मरान हैं इनको भी कहा कि यार हम पर ख्याल हमारा ख्याल करो, अब हमसे जो है ये सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। और हमें भी इंसान का बच्चा समझ रहे यार, बल्कि ये तो हमारा वोट डालने का हक भी छीन चुके हैं, कौन वोट डालेगा अगर वोट चोरी होंगे तो? जिनको आपने वोट नहीं डाला अगर उनको इख्तदार में लाकर बिठा देंगे तो कौन वोट डालेगा? और फिर दूसरी बात ये कि जो शरीफ लोग आए थे सियासत में उनकी वापसी हो गई है सियासत से, उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग ख़राब है कि हम ऐसे गंदे निज़ाम का हिस्सा बने, अगर आप एक बात पर यकीन रखते हैं तो आपको उठा कर ले जाएं, मार पीट करें और आप पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाएं। तो फिर शरीफ लोग जो है इस सियासत में क्यों आए? क्योंकि वो ज़्यादातर जो लोग होते हैं ईमानदार लोग जो होते हैं वो अपनी आसाइशों के साथ आते हैं कि यार मैं इस मुल्क को कुछ दूंगा, अपनी एक्सपर्टीज़ दूंगा, मेरे जो ख्यालात हैं जिस तरह हमने तरक्कियां की हैं मैं दुनिया में जो पढ़ा है मैं उसके मुताबिक इनको दूंगा। तो जब उनके हालात इस तरह के होंगे, उनकी मार पिटाई की जाएगी, उनको उठाकर ले जाया जाएगा, उनकी बदनामी करेंगे, तो फिर कौन इस सियासत में? तो जो अच्छे लोग आए थे उनकी वापसी हो गई है, क्योंकि सऊबतें, जेलें,
बर्दाश्त नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। कोई बेवजह किसी को जेल में क्यों डाले, कोई गलत मुकदमात बनाकर उनको जेलों में क्यों ठोंसे किसी को भी, तो चाहे वो कोई भी हो। और हुकूमती इदारे बुरी चीज़ें क्यों करें।